सो इन अवर लास्ट लेक्चर वी डिस्कस अबाउट द बटरवर्थ लो पास फिल्टर. बटरवर्थ फिल्टर का मतलब, बटरवर्थ का मतलब होता है कि शार्प फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स जिसको रहता है उसको बटरवर्थ बोलते हैं. और लो पास फिल्टर मतलब क्या, लो पास फिल्टर, अब यह सब फ्रीक्वेंसी के बारे में है. फिल्टर मतलब क्या, जो फिल्टर करता है. फिल्टर करता है मतलब एक हमें यहाँ पे इनपुट क्या दे रहे हैं सर्किट को, सिग्नल. सिग्नल में क्या रहता है, सिग्नल में रहते हैं डिफरेंट वोल्टेजेस के वैल्यूज, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज वैल्यूज एंड फ्रीक्वेंसीज, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज. तो इसे वोल्टेज से कुछ लेना देना नहीं है, ये क्या करता है फ्रीक्वेंसी को फिल्टर करता है. फिल्टर इज नथिंग बट फ्रीक्वेंसी फिल्टर, मतलब पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को वो पास करता है और पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को वो पास नहीं करता है, मतलब स्टॉप करता है. पास करता है इसका मतलब क्या कि उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को वो हमें आउटपुट मिलता है, गेन मिलता है, तो उसे बोलते हैं वो फ्रीक्वेंसी पास हो गई. ओके और जो स्टॉप हो गई उसका मतलब क्या, उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे सर्किट गेन नहीं देती है, आउटपुट नहीं मिलता है, मतलब वो स्टॉप हो गई. सो इट अलाउज ओनली अ पर्टिकुलर और सिलेक्टिव बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज एंड रिजेक्ट ऑल अदर फ्रीक्वेंसीज अदर देन द बैंड, दैट इज कॉल्ड एज फिल्टर. अब लो पास फिल्टर का मतलब क्या होता है कि ये जीरो से लेके कुछ हाईएस्ट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी तक के सिग्नल को पास करता है. बाद में फिर उसके बाद अगर हमने सिग्नल की फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो आउटपुट में हमें गेन कम होता है, कम मिलता है. मतलब वो फ्रीक्वेंसीज, सिग्नल हैविंग फ्रीक्वेंसीज ग्रेटर देन सम कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज इज रिजेक्टेड और गेन रिड्यूसेस फर्दर आफ्टर दैट frequency, that frequency is called as cutoff frequency. Here in low pass filter, this cutoff frequency is called as higher cutoff frequency. कारण की maximum frequency ची value है. आणि या value ला काय होते, इथपर्यंतच आपल्याला gain मिळतो आणि हा gain reduce होत, हळूहळू reduce होते तो आणि reduce होत तो maximum gain च्या म्हणजे AVF च्या 70.7% जेव्हा होतो तोपर्यंतच आपण त्याला consider करतो. आणि त्या ज्या फ्रिक्वेन्सीला या ओपॅम्पचा गेन 70.7% ऑफ मॅक्सिमम गेन होतो त्या फ्रिक्वेन्सीला म्हणतात कट ऑफ फ्रिक्वेन्सी. ओके त्याच्यानंतर गेन हळूहळू रिड्यूस होत जातो, त्यानंतर आपल्याला थोडाफार जो गेन मिळतो तो आपण रिजेक्ट बँडमध्ये टाकून देतो, म्हणजेच तो स्टॉप बँड आहे आपल्यासाठी. त्यानंतर गेन हळूहळू रिड्यूस होते, एका पर्टिक्युलर लेवलनंतर झिरो होतो. डायरेक्टली कट ऑफ फ्रिक्वेन्सी नंतर गेन झिरो होत नाही किंवा पूर्णपणे आपला सिग्नल हा स्टॉप होत नाही, ते आयडियली होतं पण प्रॅक्टिकली तसं होत नाही. प्रॅक्टिकली काही लिमिटेशन असतात सर्किटच्या. ओके सो हे आपण बघितलं, ते डेरिव्हेशन बघितलं, आउटपुट व्होल्टेज एक्सप्रेशन बघितलं, त्यानंतर तीन कंडिशन्स बघितल्या. जर आपलं व्हीओ जर सपोज एफ इज लेस देन एफ सी असेल, म्हणजे या केसला एफ इज एफ जो हा एफ आहे कंटिन्युअसली या ऍक्सिसवर, एफ जर एफ सी पेक्षा कमी असेल तर आपल्याला व्हीओ बाय व्हीन हा एव्हीएफ एवढा मिळतो अप्रॉक्सिमेटली. त्यानंतर एफ आणि एफ सी जर इक्वल असेल, एफ इज इक्वल एफ सी असेल, तर आपल्याला जो गेन आहे तो 0.707 ऑफ एव्हीएफ मिळतो. आणि त्याच्यानंतर एफ जर एफ सी पेक्षा जास्त असेल म्हणजे या रिजनमध्ये, तर आपल्याला गेन हा ऑलमोस्ट 0 मिळतो. ओके सो हे आपण बघितलं होतं. त्यानंतर त्याच्यावर काही न्यूमरिकल्स पण आहेत, यू कॅन सॉल्व इट. देन नेक्स्ट इज द सेकंड ऑर्डर लो पास फिल्टर. अब तक हमने देखा था फर्स्ट ऑर्डर लो पास फिल्टर, नाउ वी कैन सी सेकंड ऑर्डर लो पास फिल्टर. अब सेकंड ऑर्डर का मतलब होता है जिसमें दो फिल्टर सर्किट यूज करते हैं. देखो ये एक फिल्टर सर्किट हो गई और ये एक फिल्टर सर्किट हो गई. फिल्टर सर्किट इज नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर. एक आरसी कॉम्बिनेशन जो रहता है, आरसी कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड एज द फिल्टर सर्किट. अगर कैपेसिटर के अक्रॉस हम आउटपुट ले रहे तो उसको लो पास फिल्टर बोलते हैं. अगर हमने उसकी डायरेक्शन अल्टर कर दिया, मतलब पोजीशन अल्टर कर दिया, रजिस्टर और कैपेसिटर की पोजीशन अगर अल्टर कर दिया, मतलब रजिस्टर की जगह कैपेसिटर और कैपेसिटर की जगह रजिस्टर अगर हमने कनेक्ट किया तो उसे हाई पास फिल्टर बोलते, जो हम अभी नेक्स्ट टॉपिक में देखने वाले. तो देखो ये सेकंड ऑर्डर हमारा फिल्टर है, लो पास फिल्टर. ये हमारा ओपैम है, इन्वर्टिंग टर्मिनल, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, पॉजिटिव पावर सप्लाई, नेगेटिव पावर सप्लाई. उसके बाद इन्वर्टिंग टर्मिनल को इनपुट रेजिस्टेंस दिया और उसको ग्राउंड पे कर दिया, कनेक्ट कर दिया. उसके बाद फीडबैक रजिस्टर है आरएफ, इसको आउटपुट के थ्रू इन्वर्टिंग टर्मिनल को हमने फीडबैक दिया है.
ओके तो इन्वर्टिंग टर्मिनल के जो पोटेंशियल रहता है उसको हम V2 बोलते हैं. V2 इज द पोटेंशियल जस्ट एट द इनपुट टू द इन्वर्टिंग टर्मिनल. और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को हमने फिल्टर सर्किट कनेक्ट किया, दो फिल्टर सर्किट. तो इसको हम R2 बोलेंगे, इसको C2 बोलेंगे. यह का जो पोटेंशियल है सपोज V1 है. उसके बाद ये R3 है और ये C3 है, ठीक है. और यहाँ पे हमारा इनपुट सिग्नल है Vin. और ये आउटपुट हम कहाँ से ले रहे हैं, पिन नंबर 6 यहाँ पे रहती है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. किसी एक लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस हम आउटपुट लेते हैं. तो सेकंड ऑर्डर फिल्टर मतलब क्या, हमें जो रोल ऑफ रेट मिलता है वो -40 dB पर डिकेड मिलेगा. मतलब ये जो शार्पनेस है कि या गेन क्या है हमारा कॉन्स्टेंट है, उसके बाद स्टॉप बैंड में गेन शार्पली रिड्यूस होना चाहिए. कैसे रिड्यूस होना चाहिए, गेन एकदम शार्प रिड्यूस होना चाहिए. हमारे जो फर्स्ट ऑर्डर फिल्टर था उसका ऐसा रिड्यूस होता था 20 dB पर डिकेड. कैसा, 20 dB पर डिकेड से, -20 dB पर डिकेड से रिड्यूस होता था. और यहाँ पे 40 dB पर डिकेड से रिड्यूस हो रहा है. मतलब ये 40 dB पर डिकेड से रिड्यूस होना ये अच्छी बात है, ओके. क्योंकि हमें एकदम शार्प कर्व मिलता है. यहाँ पे कैसा है, कुछ बहुत सारी पावर स्टॉप बैंड में चली जाती है, तो स्टॉप बैंड में भी हमें कुछ पावर मिलती है. वैसा नहीं होना चाहिए, स्टॉप बैंड में पावर नहीं मिलनी चाहिए, पूरी जीरो मिलनी चाहिए. तो ये रोल ऑफ रेट -40 dB पर डिकेड रहता है सेकंड ऑर्डर फिल्टर में. बाकी उसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व सेम ही है. ये एक्स एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी है, वाई एक्सिस पे वोल्टेज गेन है, ठीक है. और जैसे हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं 0 से लेके 2 पर्टिकुलर हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी तक, अभी तो गेन क्या होता है, ये मैक्सिमम गेन है, इससे ज्यादा गेन हमें नहीं मिलता फिल्टर का. और वो गेन किस पे डिपेंड रहता है, वो गेन की वैल्यू क्या होती है, 1 RF/R1, ठीक है. 1 RF/R1 गेन होता है नॉन इन्वर्टिंग ओपेम्प का, ये ओपेम्प का गेन है, ठीक है. और ये कांस्टेंट रहता है क्योंकि RF की वैल्यू भी कांस्टेंट रहती है, R1 की भी कांस्टेंट रहती है, तो AVF कांस्टेंट रहता है. तो कांस्टेंट गेन मिलता है हमें. गेन कैसे मिलता है, कांस्टेंट. पर हमें क्या करना है, एक पर्टिकुलर लो फ्रीक्वेंसी को ही पास करना है. मतलब लो फ्रीक्वेंसी को ही सिग्नल सर्किट से पास करना है, बाकी का रिजेक्ट करना है. तो फिर गेन रिड्यूस होना स्टार्ट होता है, तो वो 70.7% तक रिड्यूस होता है. देखो 100 से लेके जब वो 0 तक रिड्यूस होगा, तब बीच में कहीं ना कहीं तो 70.7% आएगा ही. तो 70.7% तक वो गेन रिड्यूस होगा. और जिस फ्रीक्वेंसी को 70.7% तक रिड्यूस होता है उसको हम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बोलते हैं. उसके बाद जो गेन रिड्यूस होता है वो हम स्टॉप बैंड में डालते हैं, मतलब उसको हम स्टॉप बैंड कंसिडर करते हैं. तो हम कहाँ तक का गेन कंसिडर करते हैं पास बैंड के लिए, सिर्फ 70.7% ऑफ मैक्सिमम गेन तक, ओके. तो यहाँ पे वो मिलता है हमें. तो यहाँ से यहाँ तक जो है हमारा वो क्या है, वो हमारा पास बैंड है. यहाँ से यहाँ तक पास बैंड है और उसके बाद जो है ये हमारा स्टॉप बैंड है, ठीक है. तो ये हमारा सेकंड ऑर्डर फिल्टर की फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व है. अब इसमें हमें क्या करना है, अभी इसका डेरिवेशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हमने ऑलरेडी फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेशन सॉल्व किया है. यहाँ पे हम डायरेक्टली कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं. FC=1/2π√R2R3C2C3. ये R2R3C2C3, ये R2R3C2C3, ठीक है. इसको हम अंडर रूट में लिखेंगे. पर अगर हमने सपोज R के R2 R3 और C2 C3 की वैल्यू अगर सेम रखी, सेम मतलब कितनी, सेम है, दोनों की वैल्यू सेम है, तो हम उसको ऐसे कंसिडर करेंगे कि R2R3=R, C2C3=C, ठीक है. तो हमें ये इक्वेशन कैसे मिलेगा, पहले जैसे इक्वेशन के जैसे ही मिलेगा. FC=1/2π√R2C2, मतलब 2π RC. और ये जो VO/VIN है वो कैसे मिलेगा, ये फार्मूला जो है हमारा, हमने फर्स्ट ऑर्डर फिल्टर में ये जो फार्मूला देखा था, VO/VIN = AV√1FC^4. अब फर्स्ट ऑर्डर फिल्टर में ये पावर कितना था, 2 था. सेकेंड ऑर्डर फिल्टर में पावर कितना आ गया, 4, ठीक है. ये पावर 4 आ गया. ये AVF=1+RF/R1, ये तो पास बैंड गेन होता है फिल्टर का. F क्या होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द इनपुट सिग्नल जो कंटिन्यूसली वेरी होती है. और FC होती है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो फिक्स रहती है, मतलब ये
ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसी रहती है एफसी, इसको यहाँ पे एफएच बोला पर हम ये एफसी रहती है, एफसी और एफएच एक ही हो गया। ओके, एफएच मतलब हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और एफसी मतलब कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। जनरल लो पास फिल्टर में हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी रहती है, हाई पास फिल्टर में लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी रहती है। ओके, तो ये इक्वेशन हो गया हमारा। तो ये इक्वेशन का अगर हमने यूज किया तो हमको पता चलेगा, देखो अगर एफ ज्यादा है, एफ मतलब क्या, कंटिन्यूअसली वेरी होने वाला सिग्नल, ये फ्रीक्वेंसी, ये एफ है हमारी ये। तो देखो एफ अगर एफ एच से कम है तो गेन कितना मिलता है, ए वी एफ, देखो मिलता है कि नहीं। तो देखो इस इक्वेशन में पुट करके, एफ कम है और एफ एफ सी ज्यादा है, तो एफ कम है एफ सी ज्यादा है मतलब न्यूमरेटर ज्यादा है डिनोमिनेटर कम है, तो ये रेशियो क्या हो जाएगा, तो ये रेशियो जो है वो रेशियो क्या हो जाएगा। देखो एफ कम है एफ सी ज्यादा है मतलब न्यूमरेटर ज्यादा है, न्यूमरेटर कम है डिनोमिनेटर ज्यादा है, तो ये रेशियो कम रहेगा, तो कम रेशियो का फोर्थ पावर ये और भी कम रहेगा, तो ये और भी कम रहेगा मतलब ये सब कम ही रहेगा, और ये स्क्वायर रूट में है तो और भी कम रहेगा, मतलब डिनोमिनेटर की वैल्यू बहुत कम हो गई। ठीक है, डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या होगी, बहुत कम हो गई। इसका मतलब क्या, वीओ बाय वीन इज इक्वल टू ये रेशियो जो है वो ज्यादा रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा, रेशियो ज्यादा रहेगा। ओके, ज्यादा कितना रह सकता है, वो ज्यादा से ज्यादा ए वी एफ इतना रह सकता है। ठीक है, क्योंकि ये टर्म कम से कम कितनी होंगी, जीरो होंगी, ये अगर जीरो होगा तो यहाँ पे क्या रहेगा, वन प्लस जीरो मतलब वन, अंडर रूट ऑफ वन मतलब वन, मतलब ए वी एफ डिवाइड बाई वन मतलब ए वी एफ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमें मैक्सिमम गेन मिला है वेन एफ, ये कौन सी कंडीशन है, एफ इज लेस देन एफ एच। अब दूसरी कंडीशन, वेन एफ इज इक्वल टू एफ एच, अब एफ मतलब यहाँ पे जो इंस्टेंटेनियस फ्रिक्वेंसी हमारी इनपुट सिग्नल की जो कंटिन्यूसली वेरी हो रही है, और ये जो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी है दोनों भी क्या है, सपोज सेम है, तो क्या होगा, देखो देखो अब एफ और एफ एच, एफ एच मतलब यहाँ पे एफ सी, तो दोनों भी क्या है, सेम है, तो उसका रेशियो आएगा वन, सो वन रेस टू पावर फोर मतलब वन, तो वन प्लस वन मतलब टू, सो ए वी एफ डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ टू, तो अंडर रूट ऑफ टू मतलब क्या आता है, आपको मालूम है अंडर रूट ऑफ टू मतलब क्या है, देखो वन यहाँ पे क्या है, वी ओ बाई वी इन इज इक्वल टू ए वी एफ डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ टू आएगा, अंडर रूट ऑफ टू, सो वन डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ टू मतलब, अंडर रूट ऑफ टू मतलब क्या होता है, अंडर रूट ऑफ टू मतलब क्या होता है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए वी एफ डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ टू मतलब 1.414। ओके, सो वन डिवाइडेड बाय 1.414 मतलब क्या होता है, 0.707, आप करके देखो कैलकुलेटर में सेम आता है 0.707 इंटू क्या है यहाँ पे ए वी एफ। ठीक है, ओके सो 0.707 ऑफ ए वी एफ मिलता है हमें ऐसा, तो बराबर है ऐसा ही मिलता है हमें यहाँ पे। देखो यू कैन सी अगर एफ और एफ एच सेम है तो कितना मिलता है हमें, देखो 0.707 ऑफ ए वी एफ। ये हो गया सेकंड केस। थर्ड केस में क्या होगा, सपोज एफ एफ एच से ज्यादा है मतलब अभी एफ ये पोर्शन, अभी अब ये जो कंटिन्यूअस वेरी होने वाली फ्रीक्वेंसी वो एफ एच से क्या है, ज्यादा है, एफ एच तो फिक्स रहता है, अभी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है एफ एच से ज्यादा है, सो एफ ज्यादा है और ये एफ एच मतलब एफ सी कम है, सो ये ज्यादा है मतलब न्यूमरेटर ज्यादा है डिनोमिनेटर कम है, मतलब ये रेशियो बहुत ज्यादा है, न्यूमरेटर ज्यादा है डिनोमिनेटर कम मतलब रेशियो ज्यादा होता है, ये रेशियो ज्यादा है तो उसका फोर्थ पावर और ज्यादा रहेगा, मतलब ये पूरी क्वांटिटी क्या रहेंगी, ज्यादा रहेंगी, सो यहाँ पे ये पूरे क्वांटिटी में डिनोमिनेटर ज्यादा रहेगा, अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ती है तो रेशियो क्या होता है, कम होता है, रेशियो क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो रेशियो मतलब ये रेशियो मतलब क्या है, गेन है,
देखो ये गेन है, वोल्टेज गेन वी ओ बाई वी इन। तो देखो यहाँ पे गेन क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती है एफ एच से ज्यादा होती है, वैसे वी ओ बाई वी इन मतलब ये जो गेन है वोल्टेज गेन वो कम हो रहा है। देखो धीरे धीरे वो कम हो रहा है। सो ये इक्वेशन, दिस इक्वेशन एग्जैक्टली रिलेट विद दिस फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व। ओके, सो दिस इज द सेकंड ऑर्डर फिल्टर, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट, अभी हम हाई पास फिल्टर देखेंगे, हाई पास फिल्टर का डेरिवेशन भी हमें देखना है। ओके,